कम्प्लीटली टॉप मॉडल बन चुकी है। अपने स्कॉर्पियो एन का ना बम्पर निकल चुका है, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया और अंदर से देखो क्या निकला है। टॉप मॉडल में और इसमें दोनों को साथ में खड़े कर दोगे ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। महिंद्रा वाला एंड्रॉइड बाहर निकाल दिया, पता है कौन से ब्रांड का दे रहे हैं, Z2 में एंड्रॉइड। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने गाड़ी का सारा सामान आपको दिखा दिया था, जो जो इस पर लगने वाला है। आज की वीडियो में इसकी मॉडिफिकेशन फाइनली स्टार्ट होने वाली है। यार इसको ना Z2 से भी टॉप बनवाएंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें ऐड करवाने वाले हैं। जैसे जैसे काम होता रहेगा ना आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। अब इसका काम फाइनली स्टार्ट होने वाला है, तो पहला काम क्या होता है अभी आपको दिखाती हूँ। काम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या करने वाले हो, शुरुआत किस चीज से होगी? आगे से फ्रंट से होगा इसका, ठीक है। जैसे में इसका हेडलाइट चेंज होगा, ठीक है। अभी फोक लैंप DRL लगेगा, ओके। इसके बाद जो भी इसका जो सिल्वर या पियानो जो भी कराना है, अपने को सोच के बताते हैं जो कराना है, तो ये पीस होगा और साइड का होता है और पीछे का आता है, पेट पे जाएगा, ठीक है। बाकी ग्रिल पियानो होगा, फिर इस पे खुल के क्रोम होगा, अभी आगे का काम होगा। अच्छा एक और चीज है, हाँ। जैसे इसके हेडलैम्प है, बेसिक वाले आते हैं, नए वाले पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे, जो यही पड़े हुए हैं। जैसे इसकी जो टॉप मॉडल वाली लाइट्स है पूरी चेंज तो हो जाएगी, बट अगर हमें थ्रो और एनहांस करना है तो इसमें HID LED कुछ लग सकती है? नहीं लग सकता है, नहीं लग सकती, क्योंकि इसके अंदर ना कोई बल्ब चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें कंपनी ना LED चिप लगा के देता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि इसको मुझे रोशनी बढ़ाना है, कुछ और लगा दे, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा हाँ, ये अगर LED का ऑप्शन आपको इससे ज्यादा बेटर रोशनी चाहता है, LED का ऑप्शन हो तो इसी हेडलाइट में लग सकता है। बाकी ये नहीं LED इजी लगेगी, हाँ इजी, इसमें LED लग जाएगा। आप सोचोगे मैं टॉप मॉडल के हेडलाइट लगा लिया, DRL भी लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, कि आप LED लगा लो इसमें, तो नहीं लग पाएगा। चलो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी वैसे थ्रो माड़ा नहीं है, बट जिस हिसाब से हम लगवाते हैं ना बहुत तेज, वो तो आफ्टर मार्केट में ही आती है, आफ्टर मार्केट में आएगा। और जैसे अभी ये डब्बे में से निकाला, डब्बा पैक किया ना, ये डब्बा पैक है, सारा सामान डब्बा पैक है इसका। इसमें कोई कॉपी नहीं आता अभी, ये महिंद्रा के डायर महिंद्रा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इसका फोक लैम्प है या छोटा सा कोई भी बेजल लेते हो, हाँ। जैसे फोक लैम्प का हम लगाते हैं तो ये निकल जाता है, हाँ, ये पूरा पूरा निकल जाता है। पियानो बेजल के साथ आता है, ठीक है। ये लगने के बाद ये भी महिंद्रा का जन्म नहीं होता बेजल भी, तो जो भी आइटम लगेगा वो महिंद्रा का जन्म नहीं होगा। चलो चलो, आपकी ये बात मान ली कि सारी की सारी जेन्युइन एक्सेसरीज ये महिंद्रा की, लेकिन ये सारा काम कर तो आप रहे हो, तो कोई वायर कटिंग वगैरह तो नहीं होगी, सब कपलर टू कपलर ही होगा ना? बिल्कुल, आपके सामने अभी हेडलाइट दिखा देना वीडियो में कैसे लगता है, इजिली है, खुला और नक्का फंसा, जो सॉकेट है फंसा दिया, लग गया। और हर गाड़ी में होता है कि इजीली नहीं होता है, जैसे कपलर बनाना पड़ता है, वायरिंग बनाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। जो बेस मॉडल का सॉकेट है ना, सेम टॉप मॉडल के सॉकेट में लग जाता है। चलो बढ़िया है। तो यार अपनी स्कॉर्पियो एन ना पहली बार खुलने वाली है, और सबसे पहले इसमें हेडलैम्प्स लगने हैं। तो यहाँ पे ना अगर आप साइड से देखोगे तो साइड वाले जितनी भी क्लैडिंग्स है सबकी सब रफ ब्लैक में है, तो इसको निकाल लिया है। और ये वाली क्लैडिंग देखो आप, ये ना ऐसे पूरी जॉइंट है, तो हमें सिर्फ ये नीचे वाला इतना पार्ट पेंट करवाना है, बाकी इसको हम रफ ब्लैक ही रहने देंगे। ना मैं ये क्लैडिंग्स पेंट करवाने वाली हूँ, क्योंकि ग्लॉस ब्लैक के साथ में ना ग्लॉस ब्लैक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अटपटा सा लगेगा, तो बस ये वाला पार्ट पेंट करवाना है। और ये भी ना दो पार्ट्स में आता है, एक ये वाला पार्ट है, दूसरा ये मैंने आपको दिखाई दिया जो जुड़ा हुआ है। टॉप मॉडल में देखोगे तो नीचे सिल्वर आता है, अभी मुझे नहीं पता, मैं सोच रही हूँ कि पियानो भी करा सकते हैं, बाकी सिल्वर तो अच्छा लगता ही है क्योंकि वो तो हम देख ही चुके हैं। अगर आप देखोगे तो टॉप मॉडल में भी जहाँ से ये पार्ट उतर रहा है ना, ये वाला भी सिल्वर होता है, तो इसको भी हम सिल्वर करवाएंगे। और यहाँ पे क्रोम एक्सेसरी आती है, तो वो भी चेंज करवाएंगे। ये वाला जो रियर पार्ट है भैया, अगर आप वैसे स्कॉर्पियो एन Z2 की सारी क्लैडिंग्स देखोगे ना, सबकी सब रफ ब्लैक में मिलती है, बट टॉप मॉडल में फ्रंट से भी, साइड से भी, रियर से भी सिल्वर एक्सेंस मिलते हैं। तो रियर में ये वाला जो है ना, इसको भी हम सिल्वर करवाने वाले हैं। पहले हम पियानो और सिल्वर में कंफ्यूज थे, बट मैं सोच रही हूँ टॉप मॉडल ही बना लेते हैं, तो इसको भी सिल्वर करवाएंगे। और साइड वाले, फ्रंट वाले जितने भी पैनल्स निकले सबको सिल्वर ही करवा लेंगे। और यहाँ पे ना गाड़ी का बम्पर निकलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फॉग लैम्प और हेडलैम्प दोनों ही फिट करने हैं, उसके लिए इसको निकालना ही पड़ेगा। और नीचे वाली क्लैडिंग भी पेंट होनी है, तो इसको पूरा निकाल के फिर वो भी निकालेंगे। और ये जो पुरानी वाली लाइट जो महिंद्रा की तरफ से हमें मिली है, इसको बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें नई लाइट आएगी भाई, निकाल के रख दो इसको और बदल दो इसको। ये देखो यार, हमने महिंद्रा की जो Z2 में लग के लाइट आती है उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, और अंदर से देखो क्या निकला है। एक ये और दूसरा ये, दो बल्ब निकले हैं और दोनों के दोनों फिलिप्स के हैं। ये देखो यार, टॉप मॉडल वाली लाइट फिट होने वाली है। दिखाना एक बार कैसे फिट हो रही है, क्योंकि भैया बोल रहे थे ना, बिल्कुल लाइट में भी सेम कुछ नहीं करना है, सेम कंपनी का कपड़ा रखा है मोटर का, ये इसमें लग जाएगा प्रॉपर। ये अपना आ गया हेडलाइट का, ये भी इस कपड़े में प्रॉपर लग जाएगा। अच्छा, बस ये दो कपलर्स ही लगने हैं, हाँ, दो कपलर लगना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही है, ये बहुत बढ़िया काम है। बहुत लोग ये चीज कमेंट कर देते हैं कि यार ये बोलते हैं कि कपलर टू कपलर नहीं होता, वायर कटिंग हो जाती है, तो आपके सामने दो कपलर लगे हैं, लाइट ऑन करके भी आपको दिखा देंगे, कोई भी वायर कटिंग यहाँ पे नहीं हुई है। ऑन करना एक बार, ये देखो भाई, लो बीम जग गई है, हाई बीम जलाना, आप देख सकते हो। ये तो टॉप मॉडल वाली है, और थ्रो इसका बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एक बार नाइट टाइम में भी आपको दिखा देंगे। हाँ, इंडिकेटर्स भी जला दो। लो भाई यहाँ पे सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स फाइनली दिख गए, क्योंकि पुराने में ना वो सिर्फ नॉर्मल इतना सा पैच आता था, वो भी सीक्वेंशियल नहीं था। ये देखो यार, यहाँ पे दोनों हेडलाइट्स लग गई है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो कपलर जुड़े हैं और ये यहाँ पे लग गई, तो बहुत आसान काम है ये। यार हर बार ना मैं गाड़ी लेते ही ना पहले हॉर्न चेंज कराती हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ियों के हॉर्न पसंद नहीं आते हैं, वो बहुत ही स्लो सा होता है, मज़ेदार नहीं लगता। बट इस बार मैं हॉर्न चेंज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इसका हॉर्न ना मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से देखने में जितना रॉब है ना वैसा इसका हॉर्न है, काफ़ी लाउड भी है। फाइनली ये रही गाड़ी की ग्रिल, अभी आप देख सकते तो ये ऑल ब्लैक आती है। हम लोग ना इसको, ये जितना भी रफ आपको दिख रहा है ना, इस पे पियानो कराने वाले हैं, और जैसे टॉप मॉडल में होती है ना ये वाले सारे बार्स पे क्रोम एक्सेसरी लगेगी, तो टॉप मॉडल वाली ग्रिल बनवाने वाले हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, वो बाद में बताऊंगी। ये देखो भाई, अपनी स्कॉर्पियो इनका ना बम्पर निकल चुका है, देख सकते हो गाड़ी कितनी गंजी गंजी लग रही है, इतनी अजीब लग रही है ना। और इसके हेडलैम्प देखोगे तो बहुत ही क्विकली फिट हो गए, बस अब फॉग लैम्प्स की बारी है। पर एक चीज है यार, गाड़ी ना बड़ी बड़ी बहुत लगती है। यार ये देखो, अपनी गाड़ी में ना ये वाला बेजल आता है जो पूरा मैट बैक होता है, क्योंकि इसमें ना फॉग लैम्प वगैरह कुछ नहीं आते हैं, तो पूरा मैट में आता है, ये कवर्ड होता है। इसको यहाँ से निकाल दिया है, अब इसमें लगेगा ये टॉप मॉडल वाला जो पियानो में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे DRL और फॉग लैम्प वाला वो पूरा आता है ना, वो यहाँ पे फिट होने वाला है। और यहाँ पे ना फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए भी यूनिट दी गई है, इसमें भी महिंद्रा जेन्युइन वाले पार्किंग सेंसर्स लग जाएंगे। ये देखो यार, ये पार्किंग सेंसर्स ना बहुत ही ईजिली फिट हो जाते हैं, एक बार करके दिखाना। ये देखो, क्योंकि ये महिंद्रा के जेन्युइन ही है, तो बहुत इजीली फिट हो जाते हैं और वर्क भी प्रॉपर्ली करते हैं। यार ये जो ग्लॉसी वाला पूरा बेजल है ना, ये फिट हो गया है, और पार्किंग सेंसर आप देख ही सकते हो दोनों साइड में ही फिट हो गए हैं, प्रॉपर्ली फिटिंग आती है, क्योंकि ओरिजिनल ही चीज़ है ये। अब इसके बाद बारी आती है ये बिच्छू के डंग की, यानी कि स्कॉर्पियन स्टिंक वाले DRL की, जिसके अंदर यहाँ पे छोटा सा आपको LED में फॉग लैम्प भी मिलता है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स निकल गए हैं, सबके सब ना सिल्वर होने जाने हैं। अगर आपने टॉप मॉडल में देखा तो वो मैट सिल्वर में आते हैं, सेम वैसे ही सिल्वर करवा रहे हैं हम भी। अगर आप इसके डोर्स देखोगे ना तो बिल्कुल बेस मॉडल वाली फील आती है। तो इसके ये जो पैनल्स है ना ये भी चेंज करने हैं, क्योंकि टॉप मॉडल में यहाँ पे सिल्वर आता है, तो इसको भी निकलवा लेंगे। इसके साथ साथ ये वाला जो डोर हैंडल देख रहे हो, ये तो कंपनी से ही मिल जाता है आपको एक्सेसरीज का पार्ट, तो आप वो डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो लग जाएगा। देन ये वाला पैनल भी मैट ब्लैक में जो अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बेस मॉडल वाली वाइब्स दे रहा है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, और ये स्विच को भी चेंज करेंगे। अगर आप इंटीरियर में यहाँ पे देखोगे ना तो ये वाला जहाँ जहाँ आपको रफ ब्लैक दिख रहा है ना, टॉप मॉडल में ग्लॉसी आता है, तो हम भी इसको ग्लॉसी करवाएंगे। ये देखो यार, पूरा का पूरा इंटीरियर ही खुल चुका है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पैनल्स हैं जिनको निकालने के लिए सब खोलना पड़ेगा, क्योंकि पियानो करने के लिए भेजना है तो खोलना ही पड़ेगा। भाई देख लो, आपके सामने तारों के गुच्छे नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं है। ये देखो भाई, महिंद्रा वाला एंड्रॉइड बाहर निकाल दिया, पता है कौन से ब्रांड का दे रहे हैं Z2 में एंड्रॉइड, निपॉन का। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सारा इंटीरियर तो खुल गया है। जो जो पैनल पियानो होने या सिल्वर होने जाने हैं ना वो आपको दिखाती हूँ, बाहर ही पड़े हुए हैं। वो पैनल्स तो मैंने आपको दिखा दिए थे, उसके अलावा एक ग्रिल भी जा रही है, ये भी पियानो होनी है। जो अंदर से गाड़ी आपको पूरी खुली हुई दिख रही है ना, वो इन दो पैनल्स की वजह से, एक तो ये है जो गियर लिवर के आसपास वाला एरिया है, इसको पियानो कराएंगे, दूसरा ये वाला है जो इंफोटेनमेंट के नीचे वाला एरिया आपने देखा होगा Z2 में ना पूरा पियानो आता है, तो वैसे ही हम भी करवाने वाले, दोनों के दोनों भी पियानो होने जा रहे हैं। ये जो लेफ्ट और राइट साइड वाला एसी वेंट है ना, उसके सराउंड में भी बेस मॉडल में देखा जाए तो ब्लैक फिनिश ही आती है, हमें सिल्वर चाहिए क्योंकि टॉप में सिल्वर आती है, तो इसको भी ना सिल्वर करवाने भेज रहे हैं। यार ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अराउंड में फिनिश देखने को मिलती है ना, पूरी मैट ब्लैक आती है, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैं इसको Z2 से भी टॉप बनवाने वाली हूँ, तो ऐसी चीज़ हम ये करवाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने Z2 में देखा हो तो ये रफ ब्लैक में ही आता है, बट हम इसको ग्लॉस करवाएंगे। अगर आप फ्रंट से देखोगे ना तो ये कंप्लीटली टॉप मॉडल बन चुकी है, क्योंकि टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स ऑलरेडी लग चुकी है, DRL फॉग लैम्प भी लग चुके हैं, यहाँ पे नीचे पार्किंग सेंसर्स लग चुके हैं, और इसके साथ साथ अगर आप ग्रिल देखोगे ना तो उसको हमने पियानो करना भेज दिया है। तो बस ये एक इकलौता इतना सा पार्ट बाकी है जो टॉप मॉडल वाला होना बाकी है, बाकी तो फ्रंट से देखोगे ना तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, कंप्लीटली टॉप मॉडल बन चुकी है। तो ये देखो यार, लो ब्राइटनेस में ना गाड़ी कितनी सुंदर लगती है भाई, बहुत ही प्यारी लगती है। और यार एक बार फिटिंग देखो, पूरी प्रॉपर आई है, क्योंकि ये सब कुछ ना महिंद्रा की जेन्युइन एक्सेसरीज है, ये ले लो, ये ले लो, इवन बेजल्स है ना वो भी महिंद्रा से हैं, तो प्रॉपर फिटिंग आई है टॉप मॉडल में, और इसमें दोनों को साथ में खड़े कर दोगे ना कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम लगता है। तो यार आज के लिए वैसे हम लोगों ने जितना काम करना था ना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, बाकी की मॉडिफिकेशन ना हम कल कंटिन्यू करेंगे। और इसमें ना आपको एक इलीगल सी मॉडिफिकेशन दिख रही होगी, आई नो दिख रही है, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। अब आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि इसका जो ग्रिल था ना, इस पे पियानो करना था और क्रोम लगाना था, तो पियानो पे गया हुआ है। इसके बाद जैसे इसका स्क्रीन प्लेट था, इसको सिल्वर टॉप मॉडल वाला लुक देना है, तो अभी पेंट पे गया हुआ है। इसके बाद इसका टॉप मॉडल का हेडलाइट लग चुका है, जो को आपको दिखाया होगा, कपलर टू कपलर था, कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं था, ठीक है। इसके बाद इसका फॉग लैम्प लग चुका है, जो DRL के साथ बेजल के साथ लगता है, ये जो सोचो काट के हम लगा दे उसमें नहीं लग पाता है। इसके बाद सेंसर इसका लग चुका है, महिंद्रा का जेन्युइन है, कोई आउट ऑफ मार्केट नहीं है। फॉग लैम्प का भी और DRL का भी वायरिंग कपलर टू कपलर था, कोई वायरिंग छीला या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं था, सेम कपलर टू कपलर था। बाकी आगे का काम अपना यही बचा हुआ है, ग्रिल का पियानो, ग्रिल का क्रोम लगाना है और स्किट लगाना है इसका। हाँ, ये तो पेंट होने गए हुए हैं, तो जब आ जाएंगे तो हम लगा देंगे, बस इसका बचा हुआ है। बाकी इसमें भी बहुत सारा काम बचा हुआ है जो भी करना है, जो आज हुआ है, मतलब थोड़ा लेट काम चालू हुआ है, जो आज हुआ है वो हम दिखा रहे हैं आपको। बाकी अलग अलग भाग में जैसे सीट कवर का वीडियो आएगा, अलग अलग भाग में सारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। यार देखो, हम लोग जो भी काम करवा रहे हैं ना, बड़ा तसल्ली से करवा रहे हैं, आराम से सोच सोच के एक एक चीज करा रहे हैं, तो टाइम थोड़ा लगेगा, मैं एग्री करती हूँ, बट काम सारा एक नंबर होने वाला है ना, कमी तो नहीं छोड़ोगे काम में? टाइम इसलिए लगेगा कि यूनिक काम होगा, मतलब अलग हट के काम होगा। जब से आप कस्टमर कोई वीडियो देखा, वो सीधे लाके बता देंगे मेरे को ऐसे काम करवाना है, तो उनका टाइम नहीं लगेगा, वो सोच के आएंगे तो मुझे इस लेवल का काम करवाना है, ठीक है, तो इसलिए टाइम लगेगा इस गाड़ी में बनाने में। एक एक चीज दिखाएंगे हम आपको। तो यार ये थी आज की वीडियो, जितना भी काम कंप्लीट हुआ है मैंने आपको दिखा दिया, एक एक चीज छोटी से लेकर बड़ी तक, कैसे फिटिंग हुई, क्या क्या चेंज हुआ, सब कुछ दिखा चुकी हूँ। बाकी कल जैसे जैसे काम कंटिन्यू होएगा और जो जो काम होगा एक एक चीज मैं आपको दिखा दूंगी। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।